मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एक्शन मोड में आ गए हैं। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे के करीब वे अचानक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंच गए। मंगलवार की सुबह सुबह दफ्तर खुलने के समय पीडब्ल्यूडी मंत्री मुख्यालय पहुंचे तो वहां कई अधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने समय पर दफ्तर न पहुंचने वाले इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रदेश में गड्ढा मुक्त की जा रही सड़कों के बारे में हर दिन की रिपोर्ट देने को कहा। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री इससे पहले प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। इस दौरान कई खामियां मिली थी, जिन पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने बाराबंकी के 2 इंजीनियरों को सस्पेंड करने के साथ ही 6 अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गड्ढा मुक्ति के लिए तय डेडलाइन करीब देख पीडब्ल्यूडी मंत्री ने 1 महीने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर दिन होने वाले काम की वर्क रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले मंत्री जितिन प्रसाद ने कानपुर पहुंचकर खुद भाटिया तिराहे से पनकी मंदिर तक बनी सीसी रोड देखने जा पहुंचे थे। वहां जब उन्होंने सड़क खुर्ची तो करीब 34 करोड़ की सीमेंटेड रोड से मिट्टी निकल आई। यह देख वे भड़क गए और ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश दे दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।